बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बड़े फैसले को पलट दिया है। एलजी ने पीडब्ल्यूडी सचिव, स्वास्थ्य सचिव और विधानसभा सचिव को हटा दिया है। एलजी दफ्तर की ओर से सीएम के अरविंद केजरीवाल सरकार पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। उपराज्यपाल के इस आदेश के बाद एक बार फिर दिल्ली में एलजी और सीएम केजरीवाल में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। केजरीवाल सरकार ने सर्वज्ञ श्रीवास्तव को पीडब्ल्यूडी सचिव और तरुण सेन को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया था। आज एलजी ने केजरीवाल का फैसला पलटते हुए हेल्थ सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को उनके पद से हटा दिया। इसके अलावा विधानसभा सचिव प्रसन्न कुमार सूर्यदेवरा को भी हटाने का फरमान जारी किया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी से अनुरोध किया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सारे अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं, लेकिन स्कूल निर्माण के काम में लगे पीडब्ल्यूडी सचिव और मोहल्ला क्लिनिक के काम में लगे हेल्थ सचिव को नहीं हटाया जाए। लेकिन एलजी ने डिप्टी सीएम के अनुरोध को दरकिनार करते हुए दोनों ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो क्या आदेश अब एलजी की तरफ से दिया गया है? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड बना दिया था, जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के होम सेक्रेटरी और सबको रखा गया था। और ये बात की ताकीद की गई थी कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली में नियमों के मतलब अनदेखी की गई है, जिसमें उसको दुरुस्त किया जाए। दरअसल सर्वज्ञ श्रीवास्तव या फिर जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे या हेल्थ सेक्रेटरी थे, ये सब वो पोस्ट होते हैं जो कार्डर पोस्ट होते हैं, जिसमें कि आईएएस ही हो सकते हैं, इस तरह का नियम है। लेकिन यहाँ पे जो सर्वज्ञ श्रीवास्तव थे वो आईएएस नहीं थे, डॉक्टर तरुण सिंह थे वो भी आईएएस नहीं थे। तो ऐसे कई सारे जो भी पोस्ट थे जिन पे कार्डर पोस्ट की अनदेखी की गई थी, उसको सिविल सर्विसेज बोर्ड ने जो है नहीं माना है और उसकी जगह दूसरे लोगों को बिठाया गया है। निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के लिए ये एक तरह से झटका कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने पूरी चीजें को एक तरह से अपने हाथों में लिया है और उन उन तरीकों से काम कर रहे हैं जिस तरीके से नियम के तहत दिल्ली में काम चलता आ रहा था। आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे कुंदन। तो फिलहाल एक बार फिर से बता दें, नजीब जंग और केजरीवाल की जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक तरफ जहां केजरीवाल ने जो नियुक्ति की थी उसी के फैसले को गलत ठहराते हुए उपराज्यपाल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि नियमों की अनदेखी की गई, इसलिए अब पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी की ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि क्यों हटाए गए ऑफिसर, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी तरुण सेन मेडिकल सर्विस कैडर से थे और इसके अलावा जो नाम सामने आ रहा है उसके मुताबिक आईएएस चंद्राकर भारती को नया हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। भारतीय चाइनीज मांझा बैन नोटिफिकेशन को लेकर भी विवाद में रह चुके हैं।